हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द एंड इंस्टा। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ विंग्स फैंटम 760 वर्सेस विंग्स फैंटम 850 के बारे में। इन दोनों बर्ड्स की फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इनमें आपको क्या डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ में आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है। तो सारी चीजों को यहाँ पर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ और इन दोनों का डिटेल रिव्यू कर रखा है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इनकी प्राइसिंग में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों आपको 999 रुपये में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, फीचर में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, सारा डिटेल यहां पे मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो समझ में आएगी और अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट, अनबॉक्सिंग और यहां पे कंपैरिजन की वीडियो लेके आते रहता हूं और आपको बताते रहता हूं कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाता है जितना आपका पैसा लग रहा है। इस टाइप की वीडियोस भी आपको मिलती रहेगी। तो चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और वीडियो समझ में आएगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है दोनों का बॉक्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोनों का बॉक्स आपको सेम देखने मिलेगा, बस थोड़ा सा साइज में आपको डिफरेंस मिलेगा। ये है 760 का और 850 का। ऊपर दोनों में आपको दोनों को फीचर जो है देखने मिलेगा। दोनों में देखिए 50 घंटे का बैकअप दिया गया, 40 ms के लेटेंसी देखने मिलेगी और बुलेट चार्जिंग का यहाँ पे सपोर्ट दोनों में देखने को मिलेगा और वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। पीछे की साइड में अगर देखा जाए कुछ मेन हाईलाइटिंग फीचर जो है देखने को मिल जाएंगे और दोनों में आपको यहाँ पे कस्टम मोड का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो IPX5 रेटिंग वाटर रेस का सपोर्ट आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल देखा जाए तो डब्बा मतलब कि सेम है, थोड़ा सा अलग दिया गया है और यहाँ पे फीचर भी सेम मिलेगा। और दोनों को कनेक्ट कराने के लिए यहाँ पे आपको ट्रू सिंक ऐप जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये आपको दोनों सेम दिया गया, यहाँ पे देख लीजिए दोनों का सेम दिया गया। अब थोड़ा सा बर्ड्स को ले लेते हैं हम लोग। दोनों में आपको ये देखिए रबर का बर्ड जो है देखने को मिल जाएगा, तो ये दोनों में आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ में ये देखा जाए कार्ड वगैरह, तो वारंटी कार्ड भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में यूजर गाइड दी गई है और उसी के साथ साथ ये स्टिकर भी आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल सब कुछ आपको सेम देखने को मिलने वाला है। ये रहा आपका चार्जिंग केबल, चार्जिंग केबल भी आपको दोनों मिलेगा, मैं निकाल के दिखाऊंगा नहीं, टाइप सी और यूएसबी के साथ में, तो ये आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहा दोनों पॉट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है 760 और 850। केसिंग आपको अलग देखने को मिलेगी, आप लोग डिजाइन देख सकते हो केसिंग अलग है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर आपको अलग मिलेगा। ये देखिए थोड़ा सा साइनिंग कर रहा है लेकिन ये साइनिंग नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा मैट फिनिश में देखने को मिलेगा, कार्बन ब्लैक टाइप का और लेदर टाइप का आपको फील होगा। है तो प्लास्टिक लेकिन लेदर टाइप का आपको फील होगा। तो ये निकल कर आ जाता है। दोनों में आपको लाइट का सपोर्ट जो है देखने को मिलेगा, तो जैसे यहाँ पे आप लोग खोलोगे इसको, ये देखिए इसको खोलोगे और बंद करोगे तो ये देखिए लाइट जो है ब्लिंक करी, तो ये दोनों में देखने को मिलेगा विंग्स की ब्रांडिंग। पीछे की साइड में देखा जाए तो दोनों में आपको टाइप सी का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा, तो इसमें भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो केसिंग आपको अलग देखने मिलेगी, केसिंग के बेसिस पे आप परचेस कर सकते हो कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। मैं पर्सनल बताऊं तो मुझे ये वाली केसिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब दोनों को ओपन करोगे आप लोग तो यहाँ से ये देखिए ओपन करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है आपको, ये देखिए दोनों का यहाँ पे केसिंग ओपन करने की स्टाइल अलग है। इसमें आपको दो फ्लाइंग विंग्स दिए गए जबकि आपको सिंगल यहाँ पे एक ऐसा मतलब कि दिया गया, तो ये आप लोग देख सकते हो। अंदर का इंटीरियर आपको वही सेम देखने मिलेगा और यहाँ पे टोटल मतलब कि अंदर ये आप लोग देख सकते हो राइट और लेफ्ट वाला बर्ड्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बर्ड्स को निकालते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा दोनों बर्ड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिजाइन आपको अलग देखने को मिलेगी, थोड़ी सी अलग है लेकिन ये देखिए मैग्नेटिक बर्ड्स आपको दोनों में देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल यहाँ पे डिजाइन वगैरह देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको अच्छे से, थोड़ा सा अलग है लेकिन सेम ही देखने को मिलेगी। दोनों में आपको लाइट दिया गया, फुल टच पैड दोनों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है इस पे, यहाँ टच पैड दिया गया और यहाँ पे आपको टच पैड दिया गया, तो ये थोड़ा सा टच पैड देखने मिलेगा। दो दो माइक आपको दोनों में देखने मिलेंगे, यानी टोटल आपको चार माइक देखने को मिल जाएंगे दोनों में, तो चार चार माइक है। और यहाँ पे स्टीम के बारे में बात करें यानी ये लंबाई, तो ये लंबाई भी आप लोग देख सकते हो दोनों की सेम ही देखने को मिलेगी। ये देखिए दोनों की लंबाई भी अराउंड सेम देखने को मिलेगी, बस क्या है विंग्स फैंटम 850 का थोड़ा सा मुझे लगता है कि छोटा दिया गया, आप लोग देख सकते हो ये देखिए थोड़ा सा छोटा है लेकिन ये 760 का थोड़ा सा बड़ा है, तो ये डिफरेंस निकल कर आ जाता है, लेकिन आपको दोनों में अराउंड सेम ही बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों ने फिजिकल ओवरव्यू डिजाइन को देख लिया कि आपको कौन सा यहाँ पे बेस्ट निकल कर आ जाता है, तो दोनों अलग अलग देखने को मिलेगी, आप डिजाइन के बेसिस पे यहाँ पे परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ में दोनों में जो कॉमन स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लाइट वगैरह हो ये आपको सेम देखने को मिल जाएगा। तो फिजिकल ओवरव्यू और डिजाइन यहाँ पे अलग मिल रही है, आप इस बेसिस अपने ऊपर यहाँ पे देखिएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। लेकिन मैं पर्सनल बताऊं तो मुझे ये वाली डिजाइन और इसका जो बिल्ड क्वालिटी और फिनिश देखने को मिल रहा है ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैट है और कार्बन ब्लैक जो है देखने को मिल रहा है। बात करें इन दोनों बर्ड्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो दोनों की साउंड क्वालिटी यहाँ पे मैंने टेस्ट किया और दोनों को यहाँ पे यूज किया, दोनों की साउंड क्वालिटी एकदम सेम है, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों में आपको 13 mm का ड्राइवर है, दोनों में ENC भी दिया गया और दोनों में आपको 40 ms की लो लेटेंसी जो है मिल रही है और क्वाड माइक आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। तो दोनों का यहाँ पे साउंड क्वालिटी सब कुछ एग्जैक्ट सेम देखने को मिलेगा, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस निकल कर नहीं आता 1% का। और दोनों में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बर्ड जो है देखने को मिल जाएंगे, तो आपके
कान में इजिली जो है फिट हो जाता है, लेकिन दोनों बर्ड्स को ज्यादा देर तक यूज करोगे तो थोड़ा सा आपके कान में पेनिंग की प्रॉब्लम निकल कर आ जाती है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फॉल्ट निकल कर आ जाता है। अब वहीं पे बैटरी बैकअप को देखा जाए तो बैटरी बैकअप दोनों की सेम दी गई है 50 घंटे का, लेकिन दोनों को मैंने यूज किया तो दोनों आराम से 40 से 45 घंटे यहाँ पे चल जा रहे हैं, बैटरी बैकअप इतना ही चलेगी, टोटल यहाँ पे 50 घंटा नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बैटरी बैकअप थोड़ी सी कम दी गई लेकिन इतना चल जाता है, और 10 मिनट चार्ज करोगे तो 1 से 2 घंटे का बैकअप निकल कर आ जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी डिजाइन अलग है, फीचर अराउंड आपको सेम मिल रहा है, तो मैं तो बोलूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है। तो फीचर वाइज तो सेम है, आप डिजाइन के बेसिस पे परचेस करिएगा कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आपको ये वाली डिजाइन अच्छी लग रही है या ये वाली डिजाइन, डिजाइन के बेसिस पे ही आप परचेस कर सकते हो। लेकिन 999 रुपए से अगर आप ऊपर जाइएगा, अगर इसकी प्राइस बढ़ जाती है 999 रुपए से, तो आप बिल्कुल भी इन दोनों बर्ड्स को परचेस मत करिएगा, क्योंकि सिर्फ 999 रुपए तक ही ये वर्थ है, उसके ऊपर वर्थ नहीं है। लेकिन उससे सस्ता मिलते तब आप इसको परचेस कर सकते हो, लेकिन 1000 रुपए से जहां ऊपर जाते हैं आप इन दोनों में से किसी को परचेस मत करिएगा, उसके बाद ये ओवर प्राइस हो जाएंगे, यहाँ पे सूटेबल नहीं रहेगा जिस प्राइस पे ये लोगे। तो आई होप आपको समझ में आएगी, अगर समझ में आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूं। और आपके मन में कोई सवाल या डाउट होगा इन दोनों बर्ड्स को लेकर या किसी और बर्ड्स को लेकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी ने अनबॉक्सिंग, तब तक के लिए जय हिंद।